आई वॉज रीइनकार्नेटेड एज द सेवन प्रिंस के बिल्कुल नए एपिसोड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आई वॉज रीइनकार्नेटेड एज द सेवन प्रिंस के एपिसोड नंबर 4 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा प्रिंस अल्बर्ट लॉयड के बनाए हुए एनहेंसमेंट ब्लेड को टेस्ट करने के लिए एक मॉन्स्टर सब्जुकेशन में जाने का डिसाइड करते हैं। लॉयड यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि यहाँ पर लॉयड जा रहा था, तो यहाँ पर लॉयड के साथ साथ शिल्पा भी यहाँ पर जाने का परमिशन मांगती है और प्रिंस अल्बर्ट यहाँ पर खुशी खुशी हाँ कर देते हैं। लॉयड यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो बार बार यहाँ पर शिल्पा से पूछने लगता है, क्या मॉन्स्टर जल्दी आएंगे? हम लोग कब उनको देख पाएंगे? शिल्पा कहती है, लगता है आप काफी एक्साइटेड है प्रिंस। लॉयड कहता है, हाँ ऑब्वियसली, मैं हमेशा कैसल से बाहर नहीं निकल सकता और मुझे ये भी देखना है कि मेरे बनाए हुए सूट कैसे काम करते हैं। अल्बर्ट यहाँ पर कार्ड पे बैठकर चाय पी रहा था। वो हंसकर कहता है, अरे अरे लॉयड, तुमसे एक मोमेंट भी बैठा नहीं जाता। सिल्वा यहाँ पर अल्बर्ट को शुक्रिया कहती है इस जर्नी पे आने का परमिशन देने के लिए। प्रिंस अल्बर्ट कहते हैं, मैं ना कैसे कह सकता था, तुम उसकी मेंटर जो ठहरी और मेरे ख्याल से तुम भी कुछ चीजों के ऊपर नजर रखना चाहती हो। सिल्वा कहती है, आपने सही कहा, प्रिंस लॉयड के मेंटर होने के नाते मैं यहाँ पर आ ही सकती हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर अल्बर्ट मुस्कुरा के कहता है, ऐसे बच्चों की तरह हरकत मत करो, तुम जिस नजरों से लॉयड की तरफ देखती हो। प्रिंस अल्बर्ट जब यहाँ पर अपनी बात पूरी करने वाली ही थे तभी अचानक से सिल्फा अपना सोर्ड निकाल लेती है क्योंकि यहाँ पर उन सभी को कोबोल्ड मॉन्स्टर ने सराउंड कर लिया था। यहाँ पर मॉन्स्टर से लॉयड को इसके बारे में पहले से ही पता था। लॉयड ने यहाँ पर क्यूआर टेक्निक के मदद से सारे मॉन्स्टर को डिटेक्ट कर लिया था। वो मॉन्स्टर यहाँ पर सोल्जर के ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन सोल्जर से यहाँ पर एक ही हमले से उन कोबोल्ड मॉन्स्टर को दो हिस्सों में काट के रख देते हैं और ये सभी लॉयड के एनहेंसमेंट का कमाल था। अल्बर्ट यहाँ पर लॉयड को पीट करने लगता है और उसे उसके काम के लिए शाबाशी देने लगता है। सिल्वा भी यहाँ पर कहती है, प्रिंस लॉयड सच में बहुत ही जीनियस है। सिल्वा ने भी यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर को मार गिराया था। लेकिन लॉयड कहता है, मैंने तो तुम्हारे सोर्ड पे एनहेंसमेंट किया ही नहीं। वो दोनों जो बात कर ही रहे थे तभी अचानक से कोबोल्ट मॉन्स्टर उनके कार्ड की तरफ बहुत ही तेजी से आने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की बहुत ही तेजी से आकर उस कोबोल्ट मॉन्स्टर को एक बहुत ही जोर का लात मारती है जिसे देखने के बाद यहाँ पर वो सभी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। लेकिन लॉयड उस लड़की को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि ये लड़की ताओ थी जिसके साथ यहाँ पर लॉयड ने लिबर्टो बनके एडवेंचर किया था। ताओ भी यहाँ पर अपने क्यूर टेक्निक की मदद से मॉन्स्टर को सेंस करके यहाँ पर आई थी। तभी ताओ की नजर पड़ती है लॉयड की तरफ। वो लॉयड को देखकर कहती है, तुम क्यूर टेक्निक इस्तेमाल कर रही थी लेकिन तुम जैसे अपने टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हो वो काफी हद तक लिबर्टो की तरह है और तुम्हारा चेहरा भी लगभग। ताओ यहाँ पर जब लॉयड के साथ बात कर ही रही थी तभी यहाँ पर ताओ के पीछे से एक मॉन्स्टर आ जाता है लेकिन सिल्वा इसको बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लेती है। सिल्वा कहती है, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन प्रिंस लॉयड के ऊपर से अपने हाथ हटाओ। ताओ कहती है, तुम्हारी मदद वैसे भी किसे चाहिए था, मैं अपने क्यूआर टेक्निक की मदद से मॉन्स्टर को सेंस कर पा रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे को घूरने लगते हैं और ऐसे ही वो दोनों जैसे झगड़ने वाले ही थे तभी यहाँ पर प्रिंस अल्बर्ट बीच में आ जाते हैं। इसके बाद प्रिंस अल्बर्ट कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी मदद से फाइनली जाकर हम लोग लेक में पहुंच चुके हैं। मेरा नाम अल्बर्ट है, मैं सैलून का सेकंड प्रिंस हूँ। अल्बर्ट यहाँ पर एक प्रिंस है ये सुनकर ताओ काफी ज्यादा शौक हो जाती है और अल्बर्ट के लुक्स को देखकर वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है। इसके बाद सभी लोग यहाँ पर लेक के आसपास टेंट गाड़ने लगते हैं। यहाँ पर ताओ प्रिंस अल्बर्ट से पूछती है, योर हाइनेस, आप और मेरा एक दोस्त लिबर्टो काफी हद तक सेम दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रिंस अल्बर्ट कहते हैं, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई, तुमने शायद मेरी तरह किसी को देखा होगा। इसके बाद ताओ पूछती है, वैसे योर हाइनेस, वो छोटा सा लड़का कहाँ पर गया? ताओ यहाँ पर लॉयड को ढूंढ रही थी लेकिन लॉयड यहाँ पर छुपके से वहाँ से कट लेता है। लॉयड इसके बाद अपने टेंट पे जाता है लेकिन जैसे वो टेंट के अंदर जाता है हमें देखने मिलता है यहाँ पर सिल्वा कपड़े बदल रही थी और उसके संतरे यहाँ पर पूरी तरीके से दिख रहे थे। मॉन्स्टर के साथ बैटल करने के टाइम यहाँ पर सिल्वा के कपड़े खराब हो चुके थे तो इसी वजह से यहाँ पर सिल्वा कपड़े बदल रही थी। लॉयड भी यहाँ पर सिल्वा के संतरे पे अपना मुंह मार लेता है और वो दोनों गुलू गुलू करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद लॉयड को पता चलता कि वो आज रात सिल्वा के साथ इसी टेंट पे रहने वाला है जिसे सुनने के बाद यहाँ पर लॉयड टेंट से बाहर जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर सिल्वा अपने पैरों की मदद से लॉयड को रोक लेती है। तभी यहाँ पर ताओ लिबर्टो का प्रेजेंस नोटिस करके उस टेंट पे आ जाती है और उन दोनों को डांसिंग कार्ड वाले पोजीशन पे देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। ताओ को देखकर यहाँ पर सिल्वा उसकी तरफ यहाँ पर बहुत ही तेजी से एक छुरा फेंकती है। एक बार फिर से ताओ और सिल्वा के बीच में झगड़ा लग जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर लॉयड टेंट से बाहर निकल जाता है और अल्बर्ट के पास चला जाता है।
जाता है। एल्बर्ट यहाँ पर कहता है, जब से सिल्वा तुम्हारे साथ रह रही है तब से सिल्वा बहुत ही बदल चुकी है, बस अपना ख्याल रखना लॉयड, ये लड़की का चक्कर बहुत ही खतरनाक होता है। इसके बाद सिल्वा यहाँ पर कपड़े पहनकर टेंट से बाहर आती है। वो दोनों अभी भी एक दूसरे से झगड़ रहे थे। सिल्वा यहाँ पर ताओ को यहाँ से जाने के लिए कहने लगती है। प्रिंस एल्बर्ट कहते हैं कि वो सभी यहाँ पर डॉन तक नजरदारी करने वाले हैं। तो प्रिंस एल्बर्ट यहाँ पर ताओ की मदद मांगते हैं, लेकिन सिल्वा कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोई मदद की जरूरत है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक मॉन्स्टर उल्फ अपीयर हो जाता है और वो गार्ड्स के एक घोड़े को तुरंत मार देता है। सोल्जर्स यहाँ पर उस उल्फ के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उल्फ एक ही झटके में यहाँ पर सारे सोल्जर्स को मार गिराता है। लेकिन भाई दूसरी तरफ यहाँ पर लॉयड पहली बार बियर वुल्फ को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। सिल्वा यहाँ पर प्रिंस लॉयड को पीछे रहने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर लॉयड कहता है, ये तो एक बियर वुल्फ है, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार बियर वुल्फ देखे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर ग्रीम किसी दूसरे ख्यालों में ही खोया हुआ था। लॉयड यहाँ पर ग्रीम को पूछता है कि क्या हुआ है। ग्रीम का नजर यहाँ पर लेक के पास मौजूद एक पुराने कैसल की तरफ था। वो कहता है, पता नहीं क्यों लेकिन इस कैसल के साथ मुझे कुछ गलत लग रहा है। इसके बाद फिर से हमें बैटल फील्ड में ले जाया जाता है। सोल्जर्स यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर ताओ आ जाती है और ताओ सीधे जाकर उस उल्फ के अंदर एक बहुत ही जोर का लात मारती है। लेकिन इससे यहाँ पर उस उल्फ का कुछ भी नहीं बिगड़ता। वो उल्फ यहाँ पर जैसे ताओ के ऊपर हमला करने ही वाला था, तभी यहाँ पर बीच में प्रिंस एल्बर्ट आ जाते हैं। प्रिंस अपना सोर्ड निकाल के कहते हैं, लगता है ये तुम्हारा दिन नहीं था बियर वुल्फ। मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन सालूम का प्रिंस होने के नाते उनके लोगों को बचाना ये मेरा काम है। प्रिंस एल्बर्ट यहाँ पर लॉयड के दिए हुआ एनहांसमेंट शॉट की मदद से उस उल्फ मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा आग का धमाका करते हैं, जिसके बाद वो उल्फ मॉन्स्टर जल के राख हो जाता है। सभी सोल्जर्स यहाँ पर प्रिंस एल्बर्ट के लिए चीयर अप करने लगते हैं। प्रिंस एल्बर्ट कहते हैं, मेरे स्पेल हमेशा इतना ताकतवर नहीं होते, ये तो बस लॉयड का एनहांसमेंट का कमाल है। इसके बाद सोल्जर्स यहाँ पर लॉयड के लिए भी चीयर अप करने लगते हैं। तभी यहाँ पर ग्रीम प्रिंस लॉयड को कहता है, मास्टर लॉयड मुझे अभी अभी याद आया, वो जो पुराना कैसल है उसके अंदर एक डेमन रहता था। ये कहते ना कहते यहाँ पर वो उल्फ मॉन्स्टर एक बार फिर से खड़ा होने लगता है। सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हमें देखने मिलता है कि उस उल्फ मॉन्स्टर के मुंह के अंदर से कुछ निकलने लगता है। वो डेमन यहाँ पर हंसते हंसते कहता है, मेरा नाम डेमन पाजुजू है और तुमने अभी तक जो जो मेरे साथ किया उसका फल तुम सबको भुगतना होगा। वो डेमन यहाँ पर अपनी पावर की मदद से सारे मॉन्स्टर को रिवाइव कर देता है। एक बार फिर से यहाँ पर सभी लोग बैटल में लग जाते हैं। वो लोग बार बार उन मॉन्स्टर को मार रहे थे, लेकिन वो डेमन बार बार उन सबको रिवाइव करते जा रहा था। लॉयड यहाँ पर छिपके छिपके ग्रीम को पूछता है, मुझे एक बात बताओ, तुम भी तो डेमन ही हो, क्या तुम इस डेमन को जानते हो? ग्रीम कहता है कि पाजुजू एक ऐसा डेमन है जो अपने मैना के थ्रू मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता था और अपने मैना के फ्लो के अनुसार किसी भी मॉन्स्टर को ताकतवर और कमजोर भी बना सकता है। ये सब सुनकर यहाँ पर लॉयड काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लॉयड यहाँ पर कहता है, ग्रीम मुझे मैना कंट्रोल कैसे करते हैं, जल्द से जल्द सिखाओ। दूसरी तरफ यहाँ पर बैटल अभी भी चल रहा था। सिल्फा यहाँ पर खड़े खड़े तमाशा देख रही थी, जिसे देखने के बाद यहाँ पर ताओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वो डेमन हंसते हंसते कहता है, यहाँ पर सभी लोग बहुत ही कमजोर है, तुम सभी अपने हथियारों के ऊपर बहुत ही ज्यादा निर्भर कर रहे हो। इसके बाद उस डेमन का नजर पड़ता है लॉयड की तरफ। लॉयड को देखकर वो डेमन कहता है, अरे वहाँ पर वो छोटा सा बच्चा कौन है, और उस बच्चे के मेट को तो देखो, वो बच्चा कैसा है, मेरे ख्याल से वो काफी डरा हुआ होगा, मुझे उससे ज्यादा उसके मेट के ऊपर तरस आ रहा है। उसके मेट यहाँ पर सिर्फ खड़े खड़े तमाशा देख रही है। ये सब सुनकर यहाँ पर सिल्फा का खून खौल जाता है। सिल्फा यहाँ पर इसके बाद कहती है, प्रिंस लॉयड मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे जाना होगा। लॉयड यहाँ पर कहता है, हाँ हाँ जो भी करना है तुम करो। इसके बाद वो डेमन एक बार फिर से मजाक उड़ा के कहता है, अरे ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम उस बच्चे का रक्षा नहीं करने वाली, और या फिर तुम मेरे साथ आना चाहती हो? सिल्वा इसको सुनकर कहती है, तुम्हारे साथ आना चाहती हो, इसका मतलब क्या है? इस हवा में तुम्हारा गंदगी मिल चुका है जो प्रिंस लॉयड के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लगता है मुझे तुम्हें मारना ही होगा। वो डेमन कहता है, कोशिश करके देख लो, तुम लोगों ने जिस बेरोल्फ को मारा था वो ऑलरेडी हील हो चुका है, और इसके साथ साथ मेरे बाकी सर्वेंट्स भी पूरी तरीके से हील हो चुके हैं, और जब तक मेरा मैना रहेगा तब तक वो सभी रीजनरेट होते जाएंगे, और मेरा मैना भी उतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। ये सारे बकवास सुनकर यहाँ पर सिल्वा कहती है, सच में तुम्हारा गंध बहुत ही ज्यादा घिनौना है। ये सुनकर वो डेमन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सिल्वा के ऊपर हमला करता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सिल्वा उसके ऊपर हमला कर देती है और उसके चारों पैरों को यहाँ पर काट देती है, जिसके बाद वो उल्फ अपना बैलेंस खो देता है और वो जमीन पे उल्टा होकर गिर जाता है, लेकिन तुरंत बाद वो रीजनरेट हो जाता है। तभी यहाँ पर प्रिंस एल्बर्ट नोटिस करते कि बाकी के जितने भी मॉन्स्टर है वो भी पहले के मुकाबले धीरे से रीजनरेट हो रहे हैं, यानी कि सिल्वा उस मॉन्स्टर को जितना थका पाएगी उसका रीजनरेट एबिलिटी और
रहना उतना ही कम होते जाएगा। एल्बर्ट यहाँ पर ये बात सिल्फा और बाकी सभी को कहता है। दूसरी तरफ पर ग्रीम लॉयड को मैनर रीजनरेशन के बारे में सिखा रहा था। उसके आसपास क्या हो रहे थे यहाँ पर लॉयड को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। सिल्फा यहाँ पर उस डेमन का सर को ही काट देती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो डेमन बार बार रीजनरेट होते जा रहा था। इसके बाद सिल्फा एक सोल्जर को कहती है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना ब्लेड मुझे दे सकते हो। वो सोल्जर यहाँ पर सिल्फा को वो ब्लेड दे देता है। सिल्फा यहाँ पर कहती है, इस ब्लेड को प्रिंस लॉयड ने बनाया है। ये सोचकर यहाँ पर सिल्फा यहाँ पर ब्लश करने लगती है। दूसरी तरफ वो डेमन काफी ज्यादा बौखला चुका था। वो कहता है, आखिरकार तुम्हारा जैसा कोई पावरफुल एक बच्चे का मेट बन के क्या कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर सिल्फा अभी भी प्रिंस लॉयड के बारे में ही सोच रही थी। इसके बाद वो डेमन हंसने लगता है। वो कहता है, वो बच्चा जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो, मैं उसे पकड़ के चीर के अपने सर्वेंटों के बीच में बांट दूंगा। इंसान बहुत ही कमजोर होते हैं, वो लोग अपना कमजोरी बहुत ही जल्दी दिखा देते हैं। ये सुनकर यहाँ पर सिल्फा का खून खोल जाता है। सिल्फा यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं गवाती और वो अपना सोर्ड टेक्निक यूज करती है, और उसका सोर्ड टेक्निक का नाम था हाउस ऑफ लंगलिस ट्विन ड्रैगन राइजिंग। सिर्फ एक ही स्ट्राइक से वो उस डेमन को बीच में से काट देती है। वो डेमन एक बार फिर से रीजनरेट हो जाता है, लेकिन सिल्फा यही पर ही नहीं रुकती। सिल्फा इसके बाद डाइविंग फाउल इस्तेमाल करती है और उस डेमन के सर को धड़ से अलग कर देती है। वो डेमन एक बार फिर से रीजनरेट हो जाता है। इसके बाद सिल्फा ड्यूअल ब्लेड क्राफ्ट इस्तेमाल करता है और एक बार फिर से उस डेमन को धूल चटा देती है। इसके बाद सिल्फा हाउस ऑफ लंगलिस डबल टाइगर क्लॉ एंड फैंग टेक्निक इस्तेमाल करती है और उस डेमन के ऊपर एक के बाद एक स्ट्राइक मारती जाती है। वो डेमन यहाँ पर खराब ही नहीं हो पा रहा था। सिल्फा यहाँ पर उन डेमन्स को रीजनरेट होने का भी टाइम नहीं दे रहा था, और ऐसे ही करते करते उस डेमन का कोर फाइनली जाकर रिवील हो जाता है। सभी लोग यहाँ पर सिल्फा का सोर्ड प्ले देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सिल्फा इसके बाद कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस लॉयड के बारे में उल्टा सीधा कहने का। लगता है इस ब्लेड की मदद से मुझे तुम्हें अपना जगह दिखाना ही होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर लॉयड सिल्वा का जलवा देखकर मनीमन कहता है, तो रियल एक्शन में सिल्वा ऐसे दिखती है। एंड दैट्स इट फॉर द एपिसोड नंबर 4। तो एपिसोड आप लोगों को कैसे लगा जरूर से मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ। एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बस मिलता है एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।